नमस्कार दोस्तों और नमस्कार स्टूडेंट मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर आया हुआ हूं लेथ मशीन का तो इस वीडियो को देखने से पहले जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे ओके ऐसी नॉलेज वाली वीडियो आपको मिलती रहे आपको दिक्कत ना हो सो नाओ आई एम डिस्कस डिस्कसिंग अबाउट लेथ मशीन एंड वाट इज़ द लेथ मशीन एंड हाउ मेनी पार्ट्स आर यूज इन लेथ मशीन सो लेथ मशीन लेथ मशीन देखिए ये जो डायग्राम देख रहे हो That is the diagram of lathe machine, and in this diagram we are using so many types of parts like bed, feed rod, and lead screw, tail stock, head stock, spindle, compound rest, okay carriage, cross rail, cross ride, hand wheel. So these all are the parts of this lathe machine. So I have to discuss about what is lathe machine. Lathe machine is the is one of the most versatile machine tool in the industry. यूज टू परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन सो इसका मतलब यह है कि हम लोग ऐसी मशीन यूज करते मशीन का यूज हम इंडस्टिवेश कर सकते हैं करते हैं ताकि बहुत सारी मशीनिंग प्रोसेस इस पर एक साथ परफॉर्म की जा सकती हैं ठीक है दलित मशीन इज अप्लाइड टू द टूल एंड रोटेटेड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन इट कैन बी यूज फॉर टर्निंग टेपिंग फॉर्मिंग टर्निंग स्पायरल कटिंग फिनिशिंग and uh, passivation boring spinning grinding polishing so these all types of machining operation can be done on this lathe machine and the main function of this lathe machine is to remove the material from the workpiece and make the workpiece the desired shape and size uh, during the travel of lathe the workpiece is rotated against the tool to achieve material removal and द डायरेक्शन ऑफ टूल मूवमेंट विकम फीड देखिए क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि लेथ मशीन की तो इस पर हम क्या होता है पार्ट को हम यहाँ एंड लगाते हैं और पार्ट लगाने के बाद इस पर हम जो भी सेप आपको चाहिए होती है उस पर हम लोग उसे पार्ट को रोट आपका मतलब जो इस पार्ट लगा हुआ है जो आपका लगा हुआ है वर्क पीस उसको रोटेट करा के और इसके अगेंस्ट में इस कटिंग टूल को चलाते हैं और हमें जो सेप चाहिए होती है वो सेप हम यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं So now I am going to discuss about the parts of lathe machine. So number one is that headstock. So usually uh, it is located on the left side of the lathe and is equipped with gear, spindle, chucks, and gear control levers and feed controllers. So that is the headstock of lathe machine. You can see in this lathe, in this part we have, we have to mount on our workpiece. इन दिस चक ठीक है ये आपका चक है और ये पूरा असेंबली आपको कहलाता हैड स्टॉक और इसके अंदर लगा हुआ है स्पिंडल जो कि आपके इस चक को मोशन प्रोवाइड करने के लिए काम किया जाता यूज़ किया जाता है और इसका डायरेक्टली कनेक्शन होता है आपका उस कंट्रोलिंग डिवाइस से जो कि आपके मोशन को कंट्रोल करने वाली है ठीक है दूसरा आपका है टेल स्टॉक तो टेल स्टॉक इज यूजली लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द लेथ द वर्क पीस इज सपोर्टेड एट द एंड तो इसका काम सिर्फ क्या है जो वर्क पीस है उस वर्क पीस को सपोर्ट देना है इसका काम ठीक है वर्क पीस को सपोर्ट देना है काम है जैसे हम लोग अभी डायग्राम में देखते हैं तो उसमें क्या होता है देखिए आपको बता दू कि ये आपका जो वर्क पीस है इस वर्क पीस को होल्ड करने के लिए आपने यहाँ हेड स्टॉक लगा रखा है दैट इज हेड स्टॉक बट अब इसको हमें वर्क uh, पीस को प्रॉपरली सपोर्ट देना है तो देन वी हैव टू यूज अनदर डिवाइस दैट इज टेल स्टॉक द राइट साइड ऑफ दिस मशीन ये आपका टेल स्टॉक हो गया ये टेल स्टॉक होता है ठीक है और ये इसमें यहाँ बिहील लगा होता है इसको कंट्रोल करने के लिए इसका जो स्पिंडल है इसको आगे पीछे मोशन देने के लिए और एक स्पिंडल लगा होता है आपका यहाँ पर जो कि इस आपका चक से कनेक्टेड होता है ये आपका चक होता है ठीक है मेरा आपको चक के बारे में समझना है तो आपको मेरा एक और वीडियो है पुराना उसमें आप देख सकते हो कि मैं सारे पार्ट्स को अलग अलग समझाया हुआ हूँ तो चक का बेसिकली काम यह है कि थ्री जो या फोर जो टाइप का होता है जो कि वर्क पीस को होल्ड करता है मोशन देने का काम सिर्फ इस स्पिंडल का ही होगा जो आपका यहाँ लगा हुआ है इस चक से कनेक्टेड है ठीक है और ये असेंबली जो पूरा कहलाएगा दैट इज़ कॉल्ड हेड स्टॉक यहाँ आपका कंट्रोलिंग uh, मैकेनिज्म या गियर मैकेनिज्म का कंट्रोलिंग लगा होता है ठीक है नेक्स्ट पार्ट इज दैट bed. सो यू नो दैट द मेन पार्ट ऑफ दिस lathe मशीन इज इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ दिस लिथ मशीन ऑल पार्ट्स आर बोल्टेड ऑन द बैड इट इंक्लूड द हेड स्टॉक टेल स्टॉक कैरेज रेल और अदर पार्ट सो सारे के सारे पार्ट को हम लोग कहाँ से अमल करते हैं इस बेड पार्ट से अमल करते हैं ठीक है इसी पे हम लोग अपना हेड स्टॉक लगाते हैं कैरिज लगाते हैं और यहाँ पर अपना लास्ट में आके आप टेल स्टॉक लगाते हैं ठीक है नेक्स्ट वन इज दैट कैरिज कैरिज देखिए क्या होता है इफ़ द कैरिज इज लोकेटेड बिटवीन द हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक यहाँ हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में जो पार्ट लगाया जाएगा दैट इज कॉल्ड कैरिज ओके एंड कंटेन एपरन सैडल कंपाउंड रेस्ट क्रॉस क्रॉसलाइट एंड टूल पोस्ट तो इसके इस पर क्या लगा होता है टूल पोस्ट लगा होता है इस पर आपका और ऐपरन लगा होता है इस पर टूल पोस्ट लगा होता है आपका ठीक है अपरन लगा होता है कैरेज व्हील लगा होता है ये सारे के सारे पार्ट्स पे कैरेज uh, पे ही माउंट किए जाते हैं दैट द असेंबली ऑफ यहाँ दो चीज होती हैं तो लीड स्क्रू का यूज करते हैं हम जब जब अपने कैरेज को ऑटोमेटिकली मोशन देना हो ड्यूरिंग द कटिंग ऑफ थ्रेड तो थ्रेड कटिंग के थ्रेडिंग के ऑपरेशन के बीच में या थ्रेडिंग ऑपरेशन करते टाइम हमें यदि अपने कैरेज को ऑटोमेटिक मूवमेंट देना है देन वी हैव टू यूज लीड स्क्रू हम क्या करते हैं आपके इस व्हील से यहाँ आपका एक हाफ नट होता है उस हाफ नट से हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं आपके किसको इस को इस कैरेज को इस लीड स्क्रू से तो जो लीड स्क्रू का मोशन होता है ये यह आपके यहाँ जो थ्रेड हो रही होती हैं वर्क पीस पर उसको कंट्रोल करता है और उसी के अकॉर्डिंग अपना मोशन ऑटोमेटिकली देता रहता है दूसरा होता है फीड रॉड तो फीड रॉड का यूज़ हम क्या करते हैं फीड रॉड का जनरली यूज होता है कि आपका इट यूज टू मूव द कैरेज फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड और वेरी वेरी स्लो और वेरी वेरी फास्ट तो ये क्या होता है वेरी वेरी स्लो मतलब जब हमें टर्निंग ऑपरेशन करना होता है तो हमें बिल्कुल ये बहुत स्लाइटली चलाना होता है ऑटोमेटिकली आपको इसको फीड देनी होती है तो उस टाइम क्या होता है हम इसे फीड रोड से कनेक्ट कर देते हैं और फीड रोड बहुत स्लो स्लो से आपके कैरेज को लेफ़्ट और राइट साइड में मूवमेंट देना शुरू कर देती है ठीक है नेक्स्ट वन इज दैट लेथ मशीन ऑपरेशन सो इन लेथ मशीन द वर्क पार्ट इज रोटेटेड एंड टूल रिमेन स्टेशनरी द लेथ मशीन ऑपरेशन इन्वॉल्व द टर्निंग ड्रिलिंग फेसिंग बोरिंग थ्रेडिंग एंड मैनी सो इस लेथ मशीन पर हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि टर्निंग है ड्रिलिंग है फेसिंग है बोरिंग है थ्रेडिंग है और भी सारे ऑपरेशन कर सकते हैं यूज और ये सारे के सारे ऑपरेशन डिपेंड करते हैं आपके टूल की सेप पर टूल की सेप पर हम टूल किस तरीके का यूज किए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अपना टूल का सेप भी तैयार करते हैं ठीक है द वेरियस टूल्स एंड डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑरिएंटेशन ऑफ द टूल्स इज यूज टू गेट द डिजायर्ड सेप ऑल द मेथड्स आर मेनली बेसिक टर्निंग ऑपरेशन लेट्स डिस्कस दीज मेथड्स तो हम आगे चलते हैं डिस्कस करने के लिए देखिए यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ टूल कैन बी सोन इन दिस दस्टाग्राम ठीक है तो हमें कैसे कैसे टूल किस किस कटिंग के लिए चाहिए होते हैं तो हमें अलग अलग यहाँ टूल दिए हुए हैं थ्रेडिंग के लिए थ्रेडिंग टूल है ठीक है राइट हैंड टूल होता है बोरिंग टूल होता है ये सारे टूल हमारे अलग दिए हुए हैं नेक्स्ट वन इज़ दैट फेसिंग तो हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन की तो सबसे पहला आपका आता है फेसिंग तो फेसिंग इज़ यूज टू मेक द फ्लैट सरफेस एट द एंड ऑफ द वर्क पीस तो वर्क पीस जो होता है उस देखिए मैं आपको बताता हूँ डायग्राम से ये हमारा मान लीजिए वर्क पीस है और इस वर्क पीस का ये सरफेस है तो इस सरफेस को इस सरफेस को इस फ़ेस को इसकी सरफेस को या इसके फेस को ठीक है या इसके एंड को बिल्कुल फिनिश करने के लिए स्मूथ बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं फेसिंग ऑपरेशन का यूज़ करते हैं ठीक है ठीके? और फेसिंग ऑपरेशन यूज़ करते टाइम आपको लेथ मशीन पे जो फीड देनी होती है दैट विल बी रेडियल फीड क्या इसे देनी होती है आपको रेडियल फीड देनी होती है आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेसिंग ऑपरेशन पे हम लोग जो फीड देते हैं वो कैसे देते हैं तो दैट विल बी रेडियल फीड तो ये आपका है फेसिंग ऑपरेशन देखिए डायग्राम में दिख रहा है आपको तो यहाँ आप फीड देनी होती है रेडियली इस तरीके से ठीक है ये आपका इस तरीके से घूमेगा आप, आपका वर्क पीस नेक्स्ट वन इज दैट कंटूर टर्निंग कंटूर टर्निंग मतलब अब प्रोफाइल टर्निंग जैसे कि हम कोई भी वर्क पीस पर कोई प्रोफाइल काटना चाहते हैं तो वो आपके टूल के अकॉर्डिंग कंटूर ट्रेनिंग कहलाती है तो इन दिस ऑपरेशन ऑफ लेथ मशीन द टूल इज नॉट फीड इन द स्ट्रेट पाथ टूल को स्ट्रेट पाथ में हम फीड नहीं कराते ठीक है इसको हम थोड़ा तो क्या होता है थोड़ा सा ऐसे कर्विकल फॉर्म में मोशन कराते हैं इस कर्विकल फॉर्म में तो इन इनस्ट्रीट द टूल फॉलो अ कंटूर एंड द कंटूर फॉर्म इज क्रिएटेड इन द टर्न पार्ट सो इसकी फीड कैसी होगी कंटूर फीड होगी ठीक है नॉट पैरेलल टू एक्सेस ऑफ द वर्क पीस रोटेशन तो ये इस तरीके की होगी देखो ये हमें क्या होता है वर्क आपके कटिंग टूल को इस आपका इस मोशन में हमें लेना होता है हम सीधा डायरेक्टली ना ले कर इससे थोड़ा सा कर्विकल मोशन देते हैं ये होता है आपका कंटूर टर्निंग अगला आपका है फॉर्म टर्निंग तो फॉर्म टर्निंग क्या होता है कि हम यहाँ फॉर्मिंग टूल यूज करते हैं देखिए फॉर्मिंग टूल यूज करते हैं इन दिस मैथड स्पेशल सेफ टूल इज यूज एंड दिस टूल इज इंसर्टेड रेडियली है ना तो यहाँ जो हमें फीड देनी होती है कैसे देनी होती है रेडीली फीड देनी होती है और इन द सिस्टम वी आर यूजिंग फॉर्मिंग टूल टेपर टर्निंग टेपर टर्निंग में क्या होता है टेपर टर्निंग में हम लोग अपना किसी एक एंगल पे टर्निंग कर रहे होते हैं तो दैट इज कॉल्ड टेपर टर्निंग सो लाइक कंटूर टर्निंग के लिए ही ऐसा ही होता है तो इसमें टूल क्या होता है टूल इज नॉट फीड पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ वर्क पीस पार्ट द टूल इज फीड एट एन एंगल तो ये क्या होता है टूल आपका एक एंगल पर चल रहा होता है ऐसे करके इस एक्सिस के पैरेलल काम नहीं करता एंगल पे चलाते हैं इस टूल को ठीक है तो दैट प्रोसेस इज नॉन एज टेपर टर्निंग और इसमें हमारा फीड कैसा होता है फीड हमारे रेडियल ही होता है मगर एक एंगल पे होता है किस पे होता है एक एंगल पे होता है अगला आपका आता है चैम्फरिंग तो चैम्फरिंग क्या है चैम्फरिंग ऑन द ओनली द कटिंग एज इज used at the corner of cylindrical shape which is used to stress leaving of the वर्क पीस देखिए चैम्फरिंग क्या होता है मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ उसका कैसे बनता है यदि मेरा कोई ये वर्क पीस है ठीक है तो वर्क पीस को यदि हमें यहाँ साइड से कट करना है इधर साइड से ठीक है पूरा राउंड पर कट करना है तो दैट प्रोसेस इज नॉन एच चैम्फरिंग तो चैम्फरिंग करने के लिए देखो इस तरीके का होता है चैम्फरिंग ठीक है चैम्फरिंग के लिए हम चैम्फरिंग टूल यूज़ करते हैं अगला आता है कट ऑफ या पार्टिंग ऑफ कट ऑफ मतलब पार्ट को अलग करना पार्टिंग ऑफ का मतलब भी पार्ट को अलग करना होता है तो इन दिस पार्टिंग ऑपरेशन द टूल इज फीड रेडियली एंड द एंड पार्ट ऑफ द वर्क पीस इज कट ऑफ ठीक है इस तरीके से हम क्या होता है पार्ट को कट कर देते हैं इसमें आपका रेडियली फीड देकर अगला आपका आता है बोरिंग सो बोरिंग क्या होता है बोरिंग ऑपरेशन यू को यू नो दैट व्हाट इज बोरिंग ऑपरेशन बोरिंग ऑपरेशन इज द ऑपरेशन विच यूज टू इन लार्ज द प्री होल्ड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट तो किसी ऑब्जेक्ट के जो होल का साइज है उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बोरिंग ऑपरेशन तो क्या होता है अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हैड द हेड इज फीड लीनियरली टू द एंड ऑफ वर्क पीस ऑन द इनर इनसाइड द डायमीटर दैट इज द लीनियर फीड और ये क्या होता है हमारा आपका साइज को इलार्ज करता है थ्रेडिंग ऑपरेशन यू नो दैट अ पॉइंट टूल इज यूज टू द आउटसाइड सरफेस ऑफ द वर्क पीस विद लीनियर फीड तो यहाँ क्या होता है हमारे आपका कटिंग टूल यूज़ करते हैं दैट इज थ्रेडिंग टूल और थ्रेडिंग टूल को हम वर्टिकली ऐसे करके इसका मोशन देते हैं लीनियर फीड देते हैं इसे और यहाँ हमारा कटिंग ऑटोमेटिकली आपका हो जाता है थ्रेडिंग का और थ्रेडिंग करते टाइम क्या होता है आपका कैरेज जो होता है वो कनेक्ट होता है लीड स्क्रू से याद रखिएगा ठीक है सो नेक्स्ट वन इज द ड्रिलिंग प्रोसेस तो ड्रिलिंग एंड ड्रीमिंग इज डन बाई फीडिंग द लेथ टूल अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेटिंग ऑफ द जॉब पार्ट तो यहाँ यदि हम लोग चाहें ड्रिलिंग करें या रिमिंग करें तो so, हम जो पार्ट यूज कर रहे हैं यदि मैंने ड्रिल बिट यूज किया है दैट इज कॉल्ड ड्रिलिंग ऑफ प्रोसेस यदि मैं यहाँ पर रिमर यूज करूँगा तो देट विल भी रिमिंग प्रोसेस तो पहले हम ड्रिलिंग करेंगे देन आफ्टर वी हैव टू परफॉर्म रिमिंग प्रोसेस ऑन द पार्ट तो रिमिंग प्रोसेस क्यों करते हो क्योंकि हमारा जो होल किया हुआ है उसका साइज एक्ूरेट हो सके ठीक है नेक्स्ट वन इज दैट नर्लिंग प्रोसेस तो नर्लिंग इज द मेटल फॉर्मिंग मैथड विच क्रिएट द रेगुलर क्रॉस हैचेज पैटर्न इट इज़ नॉट अ मशीनिकॉ प्रोसेस इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी कटिंग ऑफ द मेटल तो यहाँ क्या होता है कोई कटिंग नहीं होती है बस इस पर हम लोग इम्प्रेशन काट देते हैं मतलब इस पर हम होल्ड करने के लिए वो हैगजगोन टाइप की या फिर स्ट्रेट टाइप की नर्लिंग इस पर हम लोग कर देते हैं ठीक है तो ये जो पार्ट नलिंग करते हैं वो क्या होता है उसे पकड़ने के लिए हैंडल वगैरह जो बनाते हैं ना वहाँ पर नर्लिंग वाला पार्ट यूज़ करते हैं नलिंग ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और लेथ से रिलेटेड जितने सारे ऑपरेशन हैं एक बार अब आप जरूर देख लीजिएगा सो दैट यू कैन क्लियर ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द लेथ ऑपरेशन एंड आल्सो द रिलेटेड टू द पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन सो थैंक यू थैंक यू एवरी वन और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक करें और इसको आगे शेयर भी करें यदि आपको अच्छा लगता है तो थैंक यू